विधायक सरयू राय ने सर्किट हाउस में किया प्रेस वार्ता, मीडिया से हुए मुखातिब। भारतीय जनतंत्र मोर्चा के संरक्षण तथा विधायक सरयू राय धनबाद में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। विधायक सरयू राय ने धनबाद की जन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए मीडिया को बताया कि दामोदर बचाओ अभियान में ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि धनबाद में जन समस्या मुद्दे उत्पन्न है, इनमें सुधार करने की आवश्यकता और जिला प्रशासन से भी मिलकर बात करने का उन्होंने आश्वासन दिया और कहा कि जल्द से जल्द समस्याओं का निदान हो सकेगा। खबर 365 न्यूज के लिए धनबाद ब्यूरो अकरम रजा के साथ विजय रवानी की रिपोर्ट। धनबाद में गेहूँ गए थे, पानी पर चांदे पर सब साफ हो गया था, इसीलिए मैंने कल बोकारो में व्यापारी सी के साथ बैठक किया। यहाँ भी मैंने देखा सीएमबी नहीं है, बीच शेर के आएंगे आगे दिन के रूपये होगा। ये अपराध है और इसमें जितना दोषी जनता के वाले हैं उतना ही दोषी जो नियामक संस्थान है सरकार ने जो बनाया है उतना ही दोषी। हर जिले में जिला पर्यावरण समिति होती है, डीसी अध्यक्ष होते हैं और सीनियर मोस्ट डी एफ ओ उसके सदस्य शेर होता है। इनका काम भी महीने में बैठक करके देखना है और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का भी काम है। ये दोनों ही उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, नियामक संस्थाएँ ध्यान नहीं दे रही। तो मैंने फिर से इस पर ध्यान देना है और मैं नियमित रूप से दामोदर का लेकर सचेत पर भी इस तरह की गतिविधियाँ उनसे रोकने का प्रयास करा। उसमें धनबाद नगर निगम का अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज, साथ ही लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।